नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार शिक्षा भर्ती 3.0 कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ठीक है, साथ साथ ही परीक्षा कब होगी, इसके साथ ही अदर स्टेट इस बार वैलिड है या नहीं है, ठीक है। हम आपको बता दें कि जो पिछली भर्ती हुई थी 3.1 3.2, इन दोनों की परीक्षाओं में अदर स्टेट वैलिड था। इसके साथ ही साथ जो सी टैट वाले थे उनको कितने मार्क्स चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी जो 3.2.0 कंप्लीट हुआ है उसमें सी टैट वालों को बाहर कर दिया गया है जिनके मार्क्स कम थे, आपको कितने मार्क्स थे वो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि क्या सभी लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म आएंगे, यानी 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, क्या सभी के लिए फिर से फॉर्म आएंगे या सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्लासों के लिए आएंगे, ठीक है, और फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो बात करते हैं बीपीएससी 3.0 की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने पद आ सकते हैं और किस किस लेवल के आ सकते हैं, यानी कि हर एक लेवल के आएंगे या प्राइमरी के आएंगे बस, या जूनियर के आएंगे बस, या सिर्फ टीजीटी पीजीटी के आएंगे, वो सब आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं कितने पद आएंगे, तो हम आपको लेटर दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि बीपीएससी को भेजा गया, बताया गया कि बताइए कितने पद खाली है, और दो दिन के अंदर अंदर उसको ब्यौरा मांग लिया गया है। जो 3.1 था, 3.2.0 था, उसमें जितने पद खाली बचे हैं और जो वैकेंसी हमारे पास और खाली बची है उन सबको टोटल जोड़ के बताया कि कितने पद है, दो दिन के अंदर अंदर इसका हिसाब मांगा गया है। तो आप बता दें कि दो दिन के अंदर अंदर ही खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तो कितने पदों पर वैकेंसी आ सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो हम आपको बता देते हैं कि लगभग लगभग आपके 40,000 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इससे कम पद नहीं रहने वाले हैं भाई, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं, लेकिन 40,000 तो कम से कम आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी ऐसे नहीं किसी एक ही क्लास के लिए आएगी, ये सब के लिए आएगी, सब में बटी आएगी, टोटल 40,000 कम से कम आएगी। तो किसके लिए, आपसे 1 से 5th के लिए यानी प्राइमरी के लिए आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जूनियर 6 to 8 के लिए हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ 9 से 10th के लिए देखने को मिलेगी, और 11 से 12th के लिए भी देखने को मिलेगी। अब हर के लिए क्यों आएगी आपको रीज़न बता देते हैं, क्योंकि जो 3.2.0 था बहुत से ऐसे थे जिन्होंने जिनका 6 से 8 में सिलेक्शन हुआ था, 9 से 10th में सिलेक्शन हुआ था, 11 से 12th में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करना है उनको, तो उसमें से पद खाली होंगे। इसके साथ साथ जो पहले बच्चे हुए थे पद वे भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो हर एक लेवल के लिए आपकी परीक्षा फॉर्म आएंगे और लगभग 40,000 प्लस आपको कैसे देखने मिलेगी। तो जो 3.2.0 में रह गए थे सिलेक्शन, जिनका रह गए थे 1-2 नंबर से, वे भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लेंगे, ठीक, आपको बताया कि एग्ज़ाम कब से लेंगे। तो बात करते हो आपके फॉर्म है, वो आपके फॉर्म शुरू होंगे आपके फरवरी से, ठीक है, फरवरी में आपके फॉर्म निकल जाएंगे, पहले हफ्ते के अंदर या दूसरे हफ्ते से आपके बिल्कुल ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका मार्च में ले लेंगे ये लोग, ये 1 महीने का टाइम मुश्किल से देते हैं, पूरे 1 महीने में नहीं बचता, जब फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसकी मुश्किल से 10-12 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आपके एग्ज़ाम सेंटर भी आ जाते हैं, तो आपको पूरा 1 महीना भी नहीं मिलेगा। फरवरी में आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए इस बार, और आपके मार्च में ही आपकी परीक्षा ले लीजिए। जो इन्होंने पहले नोटिस जारी किया था, पहले बताया था कैलेंडर में कि अगस्त में परीक्षा लेंगी, ठीक है, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है, और ये जो है बीपीएससी 3.0 की परीक्षा मार्च में ही कंडक्ट करवाएंगे। तो जो तैयारी में लगे अच्छे से तैयारी में लग जाइए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और बात करते हैं फिर अदर स्टेट के लिए कि अदर स्टेट एलिजिबल है नहीं है, तो अदर स्टेट इसमें एलिजिबल है, पहले जो 2 भर्ती उसमें भी अदर स्टेट को लिया गया था। अब बात करते हैं सी टैट में कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट वालों को सी टैट चाहिए भाई, किसके लिए, 1 से 5 तो 6 से 8 के लिए सी टैट चाहिए बस, इसके लिए चाहिए सी टैट पेपर फर्स्ट, इसके लिए चाहिए सी टैट पेपर सेकंड, और 9 से 10, 11 से 12 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका स्टेट एग्जाम, एसटेट एग्जाम, ठीक है। तो सी टैट में आपको 90 मार्क्स चाहिए, उन्होंने कुछ भी लिख रखा हो कि भाई महिला को 60% पर लेंगे, एसटी को 60% पर लेंगे, कुछ नहीं मानना है, क्योंकि आपको बता देता हूँ अभी 3.2.0 हुआ है, उसमें जिसके 60% से कम नंबर थे, जिसके 60% से कम नंबर थे यानी 90 से कम मार्क्स थे ना, उन लोगों को बाहर कर देगा, उनका परीक्षा रद्द कर दी गई है, ठीक है। ये देखिए कि 90 से कम वालों की ज्वाइनिंग लेटर रहता है जो उनको रद्द कर दिया गया है, उन्होंने हालांकि लिखा था कि जो महिलाएं हैं वे 60% से कम है, महिला को ले लेंगे, उन्होंने फॉर्म भरा, उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब उनको बाहर कर दिया गया। तो अदर स्टेट वाले सिर्फ और सिर्फ जिसके 90 मार्क्स हो सी टैट में वही फॉर्म भरना, वरना आपकी मेहनत बेकार चल जाएगी, आप पेपर देने जाओगे, मेहनत करोगे, सब काम होगा और फिर बाद में बहुत दुख हो जाएगा। तो सी टैट नब्बे मार्क्स आपको चाहिए सी टैट में, क्योंकि 3.2.0 में ज्वाइनिंग रोक दी गई है जिसके 90 से कम मार्क्स थे, ठीक। तो आपको बता दें हमने कि आपके फॉर्म फरवरी से स्टार्ट होंगे, मार्च में आपकी परीक्षा होगी, और आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है इस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं, फ्री कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि अभी से आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सको, ठीक। तो बता दें आपको कि इसके लिए तो आपको सी टैट पेपर फर्स्ट चाहिए, इसके लिए सी टैट पेपर सेकंड चाहिए, और इन दोनों के लिए क्या चाहिए, एसटैट यानी बिहार का टैट एग्जाम पास होना चाहिए। तो आपके लगभग 40,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी देखने को मिलेगी, और ये सब उन्होंने खुद न्यूज़ में खुद ही बताया, और 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। और जो भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी पसंद आई हो, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।